हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रिसिडेंस क्या होता है और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो वो सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर क्या करता है, एक सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए और बी यहाँ पे अभी क्या है, दोनों ऑपरेंड्स है, और इसके बीच में अगर एक सिंबल होता है ऑपरेटर, जैसे हमने प्लस, प्लस एक तरह का क्या है ऑपरेटर, अब हमने प्लस को लगा दिया, ए और बी के बीच में प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है। सपोज दैट अगर बात कर ले, ए की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, प्लस हमने कर दिया, बी की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है 30 आने वाला है, यानी 10 और 20 हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर क्या करता है, सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, उसी को हम पाइथन ऑपरेटर्स। तो पाइथन ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में, उसके बाद देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। आइए जल्दी से देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होता है वो क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सपोज दैट सबसे पहले हम बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन, इन तरह के ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सारे क्या है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये क्या करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इस चीज को हम समझते हैं विथ एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर टेबल है और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन उसका, तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है ये क्या करता है, दो ऑपरेंड्स को जोड़ने का काम करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि ए है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, अब ए प्लस बी हमने कर दिया तो वैल्यू कितना आ गई 20 आ गई, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पे क्या करता है कि जो ऑपरेंड्स होता है वो क्या करता है, घटाने का काम करता है, मतलब जो पहला ऑपरेटर होगा, जो पहला ऑपरेंड्स होगा उसमें से दूसरे ऑपरेंड्स की वैल्यू को घटा देता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 20 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर के बारे में हम बात करें तो डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी पहली हमारी वैल्यू होती है, पहला ऑपरेंड्स होता है, उसमें क्या करता है दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, अब ए बाई हम बी कर दिए, ए डिवाइड बी, तो यहाँ पे क्या आ गया 2.0, यानी 10 को 20, मतलब 20 को 10 से डिवाइड हम करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी हमारी 2 आएगी। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लाई करने का काम करता है। सपोज दैट यहां पे हम बात करें, ए की वैल्यू क्या है 20 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 20 मल्टीप्लाई हम 4 कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल के आने वाली वो हमारी क्या होगी 80। उसके बाद हम रिमाइंडर ऑपरेटर की बात करें तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में, यानी जो पहला ऑपरेटर होता है, जो पहला ऑपरेंड्स होता है उसमें दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करने का काम करता है, जो ऑपरेंड्स जो हमारा बचता है रिमाइंडर उसको शो करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या किया, ए रिमाइंडर बी हमने लगाया तो यहाँ पे रिमाइंडर दोनों के बीच क्या आने वाला है 0 आने वाला है। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते 21 होता ए की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता 1 आ जाता। उसके बाद एक्सपोनेंट की बात करते, एक्सपोनेंट क्या करता है कि जो पहला ऑपरेंड होता है उस पे हम क्या करते हैं दूसरे ऑपरेंड्स को पावर कर देते। सपोज दैट अगर हम बात करें, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करेगा 2 के पावर 2 करेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 4, जिसको पावर में हम डिनोट करते हैं उसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा एक ऑपरेंड्स बी ए है और दूसरा ऑपरेंड्स बी है, तो इसको इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ए बड़ा है बी से,
ठीक है, या ए मतलब ए छोटा है बी से, ये सारी चीजें इस तरह के हम डिफरेंट तरह के कंप्रेशन करते हैं और इसका जो भी वैल्यू निकलती है उसको ट्रू और फॉल्स के अंदर हम रिटर्न करते हैं, तो उसे कंप्रेशन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जैसे इसका टेबल क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड्स की इक्वालिटी को चेक करने का काम करता है। अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल होंगे तो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 10 होती है और बी की वैल्यू भी 10 होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे A is equal to B करें, तो अब ये दोनों क्या है, इसकी वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसी तरह से यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं, अगर दोनों ऑपरेंड्स क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वहां पे कंडीशन हमारा क्या, ट्रू प्रिंट करता है। मतलब अगर हम बात कर ले A की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, B की वैल्यू 20 हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, A नॉट इक्वल टू यानी A नॉट इक्वल टू B कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अगला ऑपरेटर है जिसका नाम क्या हो गया हमारा, लेस देन और इक्वल टू हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो पहला ऑपरेटर होगा, जो पहला ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, उस केस में ट्रू प्रिंट करने का काम करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें ए की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, अब हम इसको क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू बी की वैल्यू लगते हैं, बी की वैल्यू मान लो 20 है, तब ट्रू प्रिंट करेगा, या तो बी की वैल्यू 10 होगी तब भी ट्रू प्रिंट करेगा। अगला क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि जो पहला ऑपरेंड होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए दूसरे से। मतलब अगर बात कर ले यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो गई 20 हो गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 10 से क्या है, बड़ा है, तो ट्रू प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला ऑपरेंड होता है वो बड़ा होता है दूसरे से, और यहाँ पे क्या होता है, लेस देन, पहला ऑपरेंड क्या होता है, छोटा होता है दूसरे ऑपरेंड से, तो वहां पे क्या होता है, हमारा ट्रू प्रिंट होता है। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था। अब हम आगे बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें वैल्यू को असाइनमेंट करने का काम करता है। असाइन, सपोज दैट अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 हो गया, अब हमने क्या किया, ए के अंदर 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब ए की जो वैल्यू अब हो गई है ना, वो ए की वैल्यू कितना हो गई 10 हो गई है। ठीक है, तो वही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारा ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या करता है कि राइट एक्सप्रेशन के अंदर जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है उसको मैं वैल्यू ऑपरेंड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले कोई वैल्यू यानी 2 + 5 + 6 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ए इज इक्वल टू, तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड जो हमारा ऑपरेंड है वो हम इसका यूज करके सारी वैल्यू को लेफ्ट हम शिफ्ट कर देते हैं, जो भी हमारा लेफ्ट ऑपरेंड होगा उसके अंदर हम सारी वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा प्लस इक्वल टू आता है। प्लस इक्वल टू के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट इस चीज को हम समझते हैं एग्जांपल से, कह रहा है यहां पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए प्लस इज इक्वल टू बी हमने पास कर दिया प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि विल बी इक्वल टू कितना, हमारा आंसर जो आएगा वो क्या करेगा, ए असाइन ए प्लस बी हो गया। ठीक है, यानी जो भी हमारा ए असाइन ए प्लस बी हो गया, अब ए की वैल्यू हमारी क्या थी 10 थी, तो हम यहाँ पे 10 लग दिए, प्लस बी की वैल्यू 20 थी, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। उसी तरह से हमारा क्या करेगा, माइनस और इक्वल टू काम करेगा, यानी सब्ट्रैक्शन और इक्वल टू काम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, वही चीज सेम होगी, यानी जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है, माइनस इक्वल टू बी करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी बन जाएगा। ए की वैल्यू अगर सपोज दैट हम मान लें कि यहाँ पे 20 है और बी की वैल्यू 10 है, तो जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो कितनी होगी, 10 होगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बात कर ले कि ए मल्टीप्लीकेशन और इक्वल यानी असाइन हो गया बी, ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी अब क्या होगा, ए की वैल्यू ए में हम असाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्चुअल में क्या है उस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लिया, बी की वैल्यू 20, जिसका आंसर टोटल आएगा 2200। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो मॉड्यूलो होता है यानी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू हो गया, वो भी इसी तरह से काम करेगा। उसके बाद एक्सपोनेंट हो गया, वो भी इसी तरह से काम करेगा, और डिवाइड हो गया, वो भी इसी तरह से काम करेगा। डिवाइड के लिए हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो गया कि ए डिवाइड इज इक्वल टू बी हमने कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब ए वैल्यू हम असाइन करेंगे ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा असाइनमेंट ए
डिवाइड बाय बी हो गया। ए की वैल्यू कितना है? 4 है, या बी की वैल्यू क्या? 3 है। अब हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो आंसर हमारा आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? कंप्रेशन ऑपरेटर हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेंड्स को प्रोसेस करता है बिट बाय बिट, मतलब जो भी हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो बिट बाय बिट प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम बिट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ऑपरेटर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी एंड हो गया, मतलब जिसको एंड ऑपरेटर के नाम से हम जानते हैं। कह रहा है कि ए इज कॉपी टू द रिजल्ट फॉर द बोथ बिट, ठीक है, इन टू ऑपरेंड्स एट द सेम लोकेशन आर 1 इफ नॉट 1 इज कॉपी। इसको छोड़ दो, हम इसके लिए समझेंगे एक ट्रुथ टेबल के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं जो भी हमारा एंड ऑपरेटर, उसको यहां पे कह रहा है कि यक्स है, ठीक है, यहां पे वाई है। अगर यक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे क्या कर रहा है कि 0 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर जब दोनों की वैल्यू सेम होगी यानी 1 होगी तभी यहां पे 1 प्रिंट करेगा, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा इस एंड ऑपरेटर के अंदर। अदरवाइज 0, अगर x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू 1 हुई, तब भी 0 प्रिंट होगा। x की वैल्यू 1 हुई, y की वैल्यू 0 हुई, तब भी 0 होगा। जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तब यहां पे क्या होगा? 1 प्रिंट होगा। यही हमारा बाइनरी एंड कहता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? बाइनरी ऑर। बाइनरी ऑर क्या कहता है? ऑर के अंदर क्या होता है कि जो भी रिजल्ट है, यहां पे कह रहा है कि जब दोनों की वैल्यू 0 होगी तो बिट आर द 0, क्या कह रहा है कि विल बी इफ बोथ 0, ठीक है, 0 इफ बोथ आर बिट 0, अगर दोनों 0 है तब 0 होगा और बाकी जितने भी कंडीशन बनेंगे हर कंडीशन में 1 को प्रिंट करेगा। देखो यहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और यहां पे हमारा आ गया और ऑपरेटर। और क्या कर रहा है यहां पे? देखो 0 कर दिया और यहां पे कह रहा है 0 और 1, एक भी वैल्यू अगर 1 होती तो यहां पे 1 प्रिंट करने का काम करेगा। और यहां पे 10 फिर 1 और 11 फिर 1, ठीक है। उसके बाद हमारा बाइनरी XOR ऑपरेटर होता है। बाइनरी XOR ऑपरेटर क्या करता है कि उसके मल्टीप्लिकेशन, कह रहा है कि इफ द टू बिट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है द आउटपुट बिकम बिट विल बी 1, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज 0, अगर दोनों सेम होते तो 0। देखो यहां पे 0 0 है और यहां पे हम देख लेते तो यहां पे भी 0 आ गया। यहां पे क्या है? 0 है और 1 है तो यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 है 0 तो यहां पे 1 आ गया, और यहां पे दोनों जब सेम है तो फिर से 0 आ गया। और उसके बाद हमारा आता है निगेशन। निगेशन के अंदर क्या होता है कि अगर 0 0 होगा तो 1 प्रिंट करेगा और 0 1 होगा तब भी 1 प्रिंट करेगा, और अदर केस में बाकी सब में क्या करेगा? 0 प्रिंट करेगा। तो यहां पे कह रहा है कि द ऑपरेंड्स बिट आर कैलकुलेटेड एज द निगेशन, सो इफ 1 बिट इज 0, अगर कह रहा है कि 1 बिट 0 होगा देन 0 हो जाएगा, द नेक्स्ट बिट विल बी 1 एज वाइस, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0 0 हुआ तो 1 को प्रिंट किया, पहले जब 0 होगा, पहले नंबर का जब 0 होगा तो 1 प्रिंट करेगा, जब दूसरे में 0 होगा तो 0 प्रिंट करने का काम करेगा। तो ये हमारा क्या था? बिट वाइज ऑपरेटर था। इसी तरह से हमारा काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि लॉजिक यानी डिसीजन बिल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले एंड और नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी उसी ट्रुथ टेबल के ऊपर काम करते हैं। तो एंड के बारे में भी हमने देखा कि उस कंडीशन में ये क्या करता है? 1 प्रिंट करने का काम करता है, अगर दोनों 0 है तो ये 0 प्रिंट करेगा, जब दोनों वैल्यू क्या है, एक 0 है एक 1 है, तब क्या करेगा? उस कंडीशन में भी ये 0 प्रिंट करने का काम करता, अगर पहली वैल्यू 1 है दूसरी 0 है तब भी ये क्या करेगा? 0 को प्रिंट करेगा, जब दोनों कंडीशन में वैल्यू 1 होती है तब 1 प्रिंट करता है। उसके बाद एक और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो और ऑपरेटर क्या करता है कि जब दोनों वैल्यू 0 होती हैं तो ये 0 प्रिंट कर देता है, जब एक भी वैल्यू 1 है तो ये क्या करता है? 1 को प्रिंट करने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद नॉट क्या करता है? नॉट सेम वही सारी चीज करता है, अगर जो भी एक्सप्रेशन इज ट्रूथ, अगर ट्रू है देन नॉट ए, ठीक है, तो उसको फॉल्स कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू करने का काम करता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर प्रिसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रिसिडेंस क्या होता है कि ऑपरेटर प्रिसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, किसी भी ऑपरेटर को प्रायोरिटी देना। सपोज दैट अगर हम बात करें आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, तो क्लासरूम के अगर अंदर आप बैठे हो तो बहुत से स्टूडेंट्स उसके अंदर है, तो कुछ स्टूडेंट्स को टीचर क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब नहीं पहले आप करो, पहले आपसे सारी चीजें। तो उसी तरह से क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो सबसे पहले किस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे? अगर सपोज दैट अगर हम बात करें ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लीकेशन डी हो गया, उसके बाद हमारा डिवाइड ई हो गया,
अगर इस तरह का कुछ ऑपरेशन आता है तो इसके अंदर हम सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, इस चीज को फॉलो करने के लिए, इस चीज को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रिसिडेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि सबसे पहले हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिसिडेंस देख लेंगे, नेम हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो प्रिसिडेंस, सबसे पहला जो प्रिसिडेंस होता है वो किसका होता है, पैरेंथिसिस। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथिसिस आता है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन को करते हैं यानी किसी के पावर को, उसके बाद क्या करता है यूनरी प्लस, ठीक है, यूनरी माइनस और कॉम्प्लीमेंट को करते हैं। साथ में उसके बाद जब मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो आता है तो उसको करते हैं, मतलब कि अगर प्लस माइनस है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, फिर मॉड्यूलो को। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंस आता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर का आता है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारा एक्सॉर ऑपरेटर का होता है और उसके बाद बिटवाइज और ऑपरेटर, यानी तीनों ऑपरेटर है तो सबसे पहले हम एंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सॉर को, फिर और को। उसके बाद कंप्रेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आती है, फिर इक्वालिटी ऑपरेटर की आती है, फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, उसके बाद आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट ऑपरेटर आता है, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो प्रेसिडेंस आती है वो लॉजिकल ऑपरेटर की आती है, एंड और नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है कि जब कोई एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, सपोज दैट हमने अभी एक्सप्रेशन के बारे में बात किया, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी हो गया, प्लस हमारा डी हो गया, डिवाइड बाई ई हो गया, और उसके पावर हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन आ गया। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। एसोसिएटिव बताता है कि अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो, जैसे अगर हमने टेबल में पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलो की प्रेसिडेंस सेम होती है, उसके बाद हमारा प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम होती है। जब प्रेसिडेंस ऑपरेटर की सेम होगी तो सबसे पहले उसमें कौन से ऑपरेटर को हम सॉल्व करेंगे, जब प्रेसिडेंस सेम होती है, मतलब कि जब दोनों एक ही टेबल में। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, जैसे हम पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमारा यहाँ पे सपोज दैट इस वाले टेबल में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है कि हमारा मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉड्यूलो है, ये तीनों क्या है, एक ही जगह पे आ रहे हैं, इनकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, फोर है, मतलब इसका फोर प्रेसिडेंस है। अब तीनों अगर एक ही एक्सप्रेशन में होंगे तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में। ठीक है, तो पहला क्या हमारा लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है। लेफ्ट टू राइट जो ज्यादातर ऑपरेटर्स होते हैं लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को ही फॉलो करते हैं। जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ तो सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, माइनस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉड्यूलो, ये सारी चीजें आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। यानी सबसे पहले हमारा क्या हो गया, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और उसके बाद हमारा मॉड्यूलो था, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मॉड्यूलो को। उसके बाद हमारा प्लस और माइनस आ रहा था तो सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। इनकी प्रेसिडेंस, इसकी प्रेसिडेंस हाई थी, इसकी प्रेसिडेंस उससे लो थी। तो ये सारी चीजें, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सारी चीजें डाल रखी हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले प्लस और माइनस यानी लेफ्ट टू राइट हम फॉलो करने का काम करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी हम लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे, इसी तरह से बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, उसी तरह से कंप्रेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब अगली जो पार्ट होता है हमारा राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है। राइट टू लेफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अगर होता है तो राइट टू लेफ्ट हम फॉलो करते हैं। उसके बाद यूनरी ऑपरेशन आता है जिसके अंदर हमारा यूनरी प्लस, बिटवाइज, नॉट, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ऑपरेटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।